सोम शर्मा के द्वारा भगवान श्री विष्णु की आराधना, भगवान का उन्हें दर्शन देना तथा सोम शर्मा का उनकी स्तुति करना। सूत जी कहते हैं, तदनंतर सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान सोम शर्मा अपनी स्त्री सुमना के साथ नर्मदा के अत्यंत पुण्यदायक तट पर गए और कपिला संगम नामक पुण्य तीर्थ में नहाकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके शांत चित्त से भगवान नारायण के मंगलमय नाम का जप करते हुए तपस्या करने लगे। महामना सोम शर्मा द्वादशाक्षर मंत्र का जप और भगवान का ध्यान करते थे। वे सदा निश्चिंत होकर बैठने, सोने, चलने और स्वप्न के समय भी केवल भगवान श्री विष्णु की ओर ही दृष्टि रखते थे। उन्होंने काम क्रोध का परित्याग कर दिया था, साथ ही पातिव्रत्य धर्म में तत्पर रहने वाली परम सौभाग्यवती सती साध्वी सुमना भी अपने तपस्वी पति की सेवा में लगी रहती थी। सोम शर्मा जब भगवान का ध्यान करने लगे, उस समय अनेक प्रकार के विघ्नों ने सामने आकर उन्हें भय दिखाया। भयंकर विष वाले काले सांप उनके पास पहुंच जाते थे। सिंह, बाघ और हाथी उनकी दृष्टि में आकर भय उत्पन्न करते थे। इस प्रकार बड़े बड़े विघ्नों से घिरे रहने पर भी वे महाबुद्धिमान धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान श्री विष्णु के ध्यान से कभी विचलित नहीं होते थे। एक दिन की बात है, एक महाभयानक सिंह भयंकर गर्जना करता हुआ वहां आया। उसे देखकर सोम शर्मा भय से थर्रा उठे और भगवान श्री नरसिंह विष्णु का ध्यान करने लगे। इंद्र नीलमणि के समान श्याम विग्रह पर पीतांबर शोभा पा रहा है। श्री भगवान का बल और तेज महान है। वे अपने चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। मोतियों का विशाल हार चंद्रमा की भांति चमक रहा है। उसके साथ ही कौस्तुभ मणि भी भगवान के श्री विग्रह को उद्भासित कर रही है। श्री वत्स का चिन्ह वक्षस्थल की शोभा बढ़ा रहा है। श्री भगवान सब प्रकार के आभूषणों की शोभा से संपन्न हैं। कमल के समान खिले हुए नेत्र, मुख पर मुस्कान की मनोहर छटा, स्वाभाविक प्रसन्नता और रत्नमय हार उनकी शोभा को दुगनी कर रहे हैं। इस प्रकार परम शोभायमान भगवान श्री विष्णु की मनोहर झांकी का सोम शर्मा ने ध्यान किया। तत्पश्चात वे उनकी स्तुति करने लगे। शरणागत वत्सल श्री कृष्ण, आप ही मुझे शरण देने वाले हैं। देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। जिन परमात्मा के उदर में तीनों लोक और सात भुवन स्थित हैं, उन्हीं की शरण में मैं आ पड़ा हूं। भय मेरा क्या करेगा? कृत्या आदि प्रबल विघ्न भी जिनसे भय मानते हैं तथा जो सबको दंड देने में समर्थ हैं, उन भगवान के मैं शरणागत हूं। जो समस्त देवताओं, महाकाय दानवों तथा क्लेश उठाने वाले भक्तों के भी आश्रय हैं, उन भगवान की मैं शरण में आया हूं। जो भय का नाश करने के लिए अभय रूप बने हुए हैं और पापों के नाश के लिए ज्ञानवान हैं तथा जो ब्रह्म रूप से एक अद्वितीय हैं, उन भगवान की मैं शरण में हूं। जो रोगों का नाश करने के लिए औषध रूप हैं, जिनमें रोग शोक का नाम भी नहीं है, जो लौकिक आनंद से भी शून्य हैं, उन भगवान की मैं शरण में हूं। जो अविचल लोकों को भी विचलित कर सकते हैं, उन भगवान की मैं शरण में आया हूं। भय मेरा क्या करेगा? जो समस्त साधुओं का पालन करने वाले हैं, जिनके नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है तथा जो विश्वात्मा इस विश्व की सदा ही रक्षा करते हैं, उन भगवान की मैं शरण में आया हूं। जो सिंह के रूप में मेरे सामने उपस्थित होकर भय दिखा रहे हैं, उन भक्त भयहारी भगवान श्री नरसिंह जी की मैं शरण में आया हूं। ग्राह से युद्ध करते समय आपत्ति में पड़ा हुआ विशाल काय गजराज जिनकी शरण में आया था और जो गजेंद्र मोक्ष की लीला में स्वयं उपस्थित हुए थे, उन शरणागत वत्सल प्रभु की मैं शरण में आया हूं। हिरण्याक्ष का वध करने वाले भगवान श्री वराह की मैं शरण में हूं। ये सब जीव मृत्यु का रूप धारण करके मुझे भय दिखा रहे हैं, किंतु मैं अमृत की शरण में पड़ा हूं।
श्री हरि वेदों का ज्ञान प्रदान करने वाले ब्राह्मण भक्त ब्रह्मा तथा ब्रह्म ज्ञान स्वरूप हैं। मैं उनकी शरण में पड़ा हूँ। जो निर्भय संसार का भय दूर करने वाले और भयदाता हैं, उन भय रूप भगवान की मैं शरण में हूँ। भय मेरा क्या करेगा? जो समस्त पुण्यात्माओं का उद्धार और संपूर्ण पापियों का विनाश करने वाले हैं, उन धर्मरूप भगवान श्री विष्णु की मैं शरण में पड़ा हूँ। यह परम प्रचंड आंधी मेरे शरीर को अत्यंत पीड़ा दे रही है। मैं इसे भी भगवान का ही स्वरूप मानकर इसकी शरण में हूँ। अतः ये भगवान वायु मुझे सदा ही आश्रय प्रदान करें। अत्यंत शीत, अधिक वर्षा और दुःसह ताप देने वाली धूप, इन सब के रूप में जिन भगवान का साक्षात्कार हो रहा है, मैं उन्हीं की शरण में आया हूँ। ये जो काल रूपधारी जीव यहाँ आकर मुझे भय देते हुए विचलित कर रहे हैं, सब के सब भगवान श्री विष्णु के स्वरूप हैं। मैं सर्वदा इनकी शरण में हूँ। जिन्हें सर्वदेव स्वरूप परमेश्वर केवल ज्ञानमय और प्रधान रूप बतलाते हैं, उन सिद्धों के स्वामी आदि सिद्ध भगवान श्री नारायण की मैं शरण में हूँ। इस प्रकार प्रतिदिन भगवान श्री केशव का ध्यान और स्तवन करते हुए सोम शर्मा ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को हृदय में बिठा लिया। उनका उद्यम और पुरुषार्थ देखकर भगवान श्री ऋषिकेश प्रकट हो गए और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए बोले, महाप्राज्ञ सोम शर्मन, अपनी पत्नी के साथ मेरी बात सुनो। विप्रवर, मैं वासुदेव हूँ। सुव्रत, तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांगो। श्री भगवान का यह कथन सुनकर द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा ने अपने नेत्र खोले, देखा तो विश्व के स्वामी श्री भगवान दिव्य रूप धारण किए सामने खड़े हैं। उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्याम है। वे महान अभ्युदयशाली और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। संपूर्ण आयुध उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उनका श्री विग्रह दिव्य लक्षणों से संपन्न है। नेत्र खिले हुए कमल के समान हैं। पीत वस्त्र श्री अंगों की शोभा बढ़ा रहा है। देवेश्वर भगवान श्री विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए गरुड़ पर विराजमान हैं। वे इस जगत तथा ब्रह्मा आदि के भी भली भांति भरण पोषण करने वाले हैं। यह विश्व उन्हीं का स्वरूप है। वे सनातन रूप धारण करने वाले हैं। वे विश्व से अतीत निराकार परमात्मा हैं। भगवान श्री जनार्दन को इस रूप में उपस्थित देख विप्रवर सोम शर्मा महान हर्ष में भर गए और करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी एवं लक्ष्मी सहित शोभा पाने वाले श्री भगवान को साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े अपनी स्त्री सुमना के साथ उनकी स्तुति करने लगे। देव जगन्नाथ आपकी जय हो। सबको सम्मान देने वाले लक्ष्मीपते आपकी जय हो। योगियों के स्वामिन योगींद्र आपकी जय हो। यज्ञ के स्वामी हरे आपकी जय हो। विष्णु रूप से यज्ञेश्वर और शिव रूप से यज्ञ विध्वंसक सनातन और सर्वव्यापक परमेश्वर आपकी जय हो। जय हो सर्वेश्वर अनंत आपकी जय हो। जय स्वरूप प्रभो आपको मेरा प्रणाम है। ज्ञानवानों में श्रेष्ठ आपकी जय हो। ज्ञान नायक आपकी जय हो। सब कुछ देने वाले सर्वज्ञ परमेश्वर आपकी जय हो। सत्व गुण को उत्पन्न करने वाले प्रभो आपकी जय हो। यज्ञव्यापी परमेश्वर आप प्रज्ञा स्वरूप हैं आपकी जय हो। प्राण प्रदान करने वाले प्रभो आपकी जय हो। पाप नाशक पुण्येश्वर आपकी जय हो। पुण्य पालक हरे आपकी जय हो। ज्ञान स्वरूप ईश्वर आपकी जय हो। आप ज्ञान गम्य हैं आपको नमस्कार है। कमल लोचन आपकी जय हो। आपकी नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ था अतः पद्मनाभ नाम से प्रसिद्ध आपको प्रणाम है। गोविंद आपकी जय हो। गोपाल आपकी जय हो। शंख धारण करने वाले निर्मल स्वरूप परमात्मन आपकी जय हो। चक्र धारण करने वाले अव्यक्त रूप परमेश्वर व्यक्त रूपधारी आपको नमस्कार है। प्रभो
आपके अंग पराक्रम से शोभा पा रहे हैं, आपकी जय हो। विक्रम नायक आपकी जय हो। विद्या से विलसित रूप वाले देवेश्वर आपकी जय हो। वेदमय परमेश्वर आपको नमस्कार है। पराक्रम से सुशोभित अंगों वाले प्रभो आपकी जय हो। उद्यम प्रदान करने वाले देव आपकी जय हो। आप ही उद्यम के योग्य समय और उद्यम रूप हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। भगवन आप उद्यम में समर्थ हैं, आपकी जय हो। उद्यम कराने वाले भी आप ही हैं, आपकी जय हो। युद्धोद्योग में प्रवृत्त होने वाले आप सर्वात्मा को नमस्कार है। सुवर्ण आपका तेज है, आपको नमस्कार है। आप विजयी वीर हैं, आपको नमस्कार है। आप अत्यंत तेज स्वरूप और सर्व तेजोमय हैं, आपको प्रणाम है। आप दैत्य तेज के विनाशक और पापमय तेज का अपहरण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। गऊओं और ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। आप हविष्य भोजी तथा हव्य और कव्य का वहन करने वाले अग्नि हैं, आप ही स्वधा रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाहा रूप, यज्ञ स्वरूप और योग के बीज हैं, आपको नमस्कार है। हाथ में शारंग नामक धनुष धारण करने वाले आप पापहारी हरि को प्रणाम है। कार्य कारण रूप जगत को प्रेरित करने वाले विज्ञानशाली परमेश्वर को नमस्कार है। वेद स्वरूप भगवान को प्रणाम है। सबको पवित्र करने वाले प्रभु को नमस्कार है। सबके क्लेशों का अपहरण करने वाले हरित केशों से युक्त श्री भगवान को प्रणाम है। विश्व के आधारभूत परमात्मा केशव को नमस्कार है। कृपामय और आनंदमय ईश्वर को नमस्कार है। क्लेशों का नाश करने वाले नित्य शुद्ध भगवान श्री अनंत को नमस्कार है। जिनका स्वरूप नित्य आनंदमय है, जो दिव्य होने के साथ ही दिव्य रूप धारण करते हैं, 11 रुद्र जिनके चरणों की वंदना करते हैं तथा ब्रह्मा जी भी जिनके सामने मस्तक झुकाते हैं, उन भगवान को प्रणाम है। प्रभो देवता और असुरों के स्वामी भी आपके चरण कमलों में माथा टेकते हैं। आप देवेश, अमृत और अमृतात्मा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप क्षीर सागर में निवास करने वाले और लक्ष्मी के प्रियतम हैं, आपको नमस्कार है। आप ओंकार, विशुद्ध तथा अविचल रूप हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। आप व्यापी, व्यापक और सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। वराह रूपधारी आपको प्रणाम है। महाकच्छप के रूप में आपको नमस्कार है। वामन और नृसिंह का रूप धारण करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। सर्वज्ञ मत्स्य भगवान को प्रणाम है। श्री राम, कृष्ण, ब्राह्मण श्रेष्ठ कपिल और हयग्रीव के रूप में अवतीर्ण हुए आप भगवान को प्रणाम है। इस प्रकार इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री जनार्दन का स्तवन करके सोम शर्मा ने फिर कहा, प्रभो ब्रह्मा जी भी आपके पावन गुणों की सीमा को नहीं जानते तथा सर्वेश्वर, रुद्र और इंद्र भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। फिर दूसरा कौन आपके गुणों का वर्णन कर सकता है? मुझ में बुद्धि ही कौन सी है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं? केशव, मैंने अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार आपके निर्गुण और सगुण रूपों का स्तवन किया है। सर्वेश, मैं जन्म जन्म से आपका ही दास हूं। लोकेश, मुझ पर दया कीजिए।